राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज तारीख है भाई 29 अप्रैल सन 2024 और दिन है सोमवार का। सुबह के बज रहे हैं मतलब 10 मान लो जो है। और अभी अभी जो हमने कहा चलो आज गाड़ी का आपको जो है मॉडिफिकेशन दिखाया जाए। गाड़ी के इंटीरियर में कुछ हमने बदलाव किए हैं जो कि समय समय पे करते रहने से क्या ना गाड़ी चलाने में मन लगता है, एक ही ऐसे गाड़ी चला चला के मन उब जाता है। तो क्या थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, तो देखने में मज़ा आता है और मन लगता है काम करने में भाई, ओला उबर चलाने में। तो आइए दिखाते हैं, एक एक गेट खोल के दिखाना। और भाई इतने कम पैसे में इतनी अच्छी भी मॉडिफिकेशन हो सकती है, देखने वाली बात है। आपको अगर पसंद आए, आपको बजट हो आपका, तो आप भी ऐसा करवा सकते हैं। और ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया सारा कुछ, आप देख सकते हो, जिसकी कीमत है मात्र 1300 रुपये। ठीक है, इस क्रोम की कीमत है 1300 रुपये का पूरा सेट है। इसको बोलते हैं इंटीरियर क्रोम। ठीक है, 1300 रुपये में आ जाता है। और ये है आर्म रेस्ट, इसको आर्म रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आता है 600 रुपये का ऑनलाइन, इसमें कहीं पेंच नहीं लगाए, बस ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही इसको फिट कर देते हैं। और भाई 250 रुपये का ये जो है मोबाइल स्टैंड, इसको बोल सकते हो, वो मोबाइल दिखाना MI वाला। तो भाई इस तरीके कुछ है, मोबाइल भी इसी के अंदर ही पड़ा हुआ है। चलो मोबाइल को निकालते हैं। ठीक है, मोबाइल स्टैंड में क्या है, ये लगा रखा है चुम्बक, इसको ऐसे इसमें सेट कर देते हैं। तो भैया ये दो चीज़ें हमने मंगाई, तीसरी चीज़ जो हमने मंगाई है वो भी फ्लिपकार्ट से, ये विंडशील्ड क्रोम इसको बोलते हैं, जो कि अभी पैक है, अभी हमने खोली नहीं है, आपको हम खोल के दिखाते हैं। अब इसको लगानी है भाई, इसको लगाने के बाद फिर भाई मज़ा ही आ जाएगा। ये 2.5 मीटर है ये, और ये जो है इसमें लगेगी जालियों में, नंबर एक की लगेगी। अभी क्या है, इसको हम फिट करते हैं। फिट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। दूसरा जो लगाएंगे वो बगल वाले ऊपर में जो है लगाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें भाई, हमारे यहाँ क्या है, छोटा शहर है तो ये यार मिल नहीं रही थी, ना ही क्रोम हमको मिला। और क्रोम जब मिला नहीं है तो फिर हमने इसके लिए जो है ट्राई नहीं किया। ये जो 2.5 मीटर हमने मंगाया है, ठीक है, ये देखो अभी सिर्फ ऊपर वाले में लगाया भाई, कितना ज़बरदस्त लुक आया है। ये भाई क्रोमिंग जो करवाई है वो नेक्स्ट लेवल की लग रही है, देख लो चारों गेटों में हैंडल क्रोम जो लग रहा है ना, ज़बरदस्त। और ये भी देखो भाई, ये देखो कितना ज़बरदस्त नंबर एक का लग रहा है देखने में। अभी और कुछ करवाना है यहाँ पे, जैसे पेपर ऊपर बिछवाएंगे जो है वुडन का, ये सब यहाँ पे अभी करवाना, वो जब करवाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को। मगर चारों हैंडल में आप देख सकते हो भाई, ये जो क्रोम लगे हुए हैं ना, नेक्स्ट लेवल के लग रहे हैं। और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, हमें अच्छा लगा तो हमने करवा लिया, क्योंकि ऑनलाइन तो भाई आ नहीं रहे। ऑनलाइन मंगवाया फ्लिपकार्ट से, जो कि मतलब टोटल हमारा 3000 रुपये के लगभग खर्चा है। चारों चीज़ें हमने ऑनलाइन ही मंगवाई है, चाहे वो इंटीरियर क्रोम हो, चाहे वो विंड सील में जो लगाते हैं जो है, ठीक है, इस टाइप की होती है लंबी सी, गोल गोल घुमा के उसको देते हैं। तो 250 रुपये का ये था, और 250 रुपये का हमारा मोबाइल स्टैंड था जो कि चुम्बक वाला है, मैग्नेट वाला, आराम चपका देते हैं। उससे क्या फ़ायदा है ना भाई, मोबाइल भी हमारा ठंडा बन रही था, क्योंकि AC के विंड सील में चपकाते हैं तो क्या AC की हवा उस पर आती रहती है, तो मोबाइल का टेम्परेचर ज़्यादा जो है हाई नहीं होता है, उससे हमारा जो है तापमान मोबाइल का अच्छा बना रहता है। तो एक फ़ायदा तो वो हो गया। और आर्म रेस्ट में क्या है ना, अपने चश्मे वगैरह हैं, या फिर जो है अपना इसमें ये अपना गाड़ी साफ़ करने वाला मोबाइल वाइल है अपना, इसमें रख दिया सुरक्षित। अब गाड़ी में तो ज़्यादा जगह है नहीं, एक दो मोबाइल रख सकते हैं। तो इस तरीके अपना जो है ये काम वाली चीज़ें हैं भाई, जो कि हमने मंगाई है
ऑनलाइन मंगाइए। हालांकि क्रोम के लिए हम ऑफलाइन गए थे दुकान में ढूंढने के लिए, लेकिन यह मॉडल गाड़ी का बंद हो चुका है, डिजायर का जो हमारे पास गाड़ी है, तो उनके पास सीरीज में सामान नहीं था। वो बोले भैया आप जो है ऑनलाइन आप मंगवा लीजिए। तो मैंने बोला चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो ऑनलाइन हमने सर्च किया तो ऑनलाइन में हमको मिल गया था। ये ऑर्डर करने से 2 से 3 दिन में भाई आ जाता है, आप कहीं भी मंगाओगे। हमने तो अपने घर पे ही मंगाया था गांव में। तो ईयरफोन वगैरह सारा कुछ हमारा इसी में रखा, काफ़ी अच्छा स्टोरेज इसमें दे रखा है, तो आप इसमें सामान भी रख सकते हो। तो हमें तो अच्छा लगा, बकाया आप लोगों को अच्छा लगे तो भाई बताइएगा। और बकाया अभी गाड़ी के मुकुट के एप्लीकेशन और भी करवाएंगे समय समय पे, जब हम करवाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि हमने गाड़ी में ये करवाया है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं। हालांकि 2-3 चीज़ें तो हमें अच्छी लगी हैं, लेकिन जो विंड सील में लगवाया है ना क्रोमिंग, ये हमें भाई उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये हमें लग रहा है बाद में कुछ दिन बाद निकलवानी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, सामान हमको तुरंत तो पसंद आता है लेकिन कुछ दिन बाद वो सही नहीं लगता है। जैसे कि गियर लीवर का वो हमने कवर मंगवाया था, तुरंत तो सही लग रहा था लेकिन कुछ दिन बाद फिर हमने उसको निकाल के फेंक दिया था। उसी तरह ये हमने क्रोमिंग जो करवाई है ये वाली, अभी तो सही लग रही है लेकिन हो सकता है कुछ दिन बाद हमारा जीप भर जाते, निकाल के हमें फेंकनी पड़ेगी। ये देखो अभी तो खैर लुक वाइज बढ़िया लग रहा है, तो अभी लगी हुई है, आगे चल के देखेंगे अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा। अभी क्या है, इस वाले को हमने छोड़ रखा है क्योंकि हमें लेफ़्ट राइट करना पड़ता है। यहाँ पे हम क्रोमिंग लगा देंगे ना तो ये विंड की जो है लेफ़्ट राइट जो एयर करनी होती है, हवा करनी होती, फिर वो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बीच वाले को छोड़ रखा है। 2 नीचे 1 ऊपर का हमने लगा रखा है और इधर में हमने पूरा कर रखा है, ठीक है, इधर में पूरा कर रखा है। कुल मिला के बस यही एक ये छोड़ रखा है, अभी ये बचा हुआ है। देखो अगर चाहेंगे तो बाद में लगा भी देंगे, ये तो खैर सामान है अपना, इसी में हमने रख रखा है, स्टोर रूम इसको बना दिया है भाई। मोबाइल भी देखो पड़ा हुआ है, टावल भी पड़ी हुई है और इसमें बचा हुआ सामान भी, गूगल चश्मा वश्मा भी अपना इसी में डाल देते हैं और बकाया मोबाइल वहाँ रख देंगे, चार्जर वगैरह भी सब कुछ आ जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई जो हमारी ज़रूरत वाली चीज़ थी और हमें अच्छा लगा तो हमने मंगवा लिया। वो गाड़ी में वैसे भी डेली का 2000 रुपये बचाते हैं, उसके ऊपर जो बचते हैं वो गाड़ी के नाम से निकाल देते हैं भाई। वो मॉडिफिकेशन में खर्चा हो या पेपर वर्किंग में खर्चा हो या सर्विस में खर्चा हो या फिर बॉडी शॉप में गाड़ी जाती है उसमें भी खर्चा होता है, तो इन्हीं सब में यूज होता है हमारा पैसा। वो कभी कभी काफ़ी रुपये निकाल देते हैं और कभी कभी नहीं भी निकाल पाते हैं। फिलहाल आज और कल तो हम अपने काम से ही हैं, तो ठीक है भाइयों, अगर जो अच्छा लगा हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं इसी उम्मीद के साथ में आज हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।